दोस्तों हम खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पर, हमारे साथ में पंजाब के बहुत सारे किसान आई सपोर्ट फार्मर। तो आप अपना पूरा परिचय और आप क्यों इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? सारे जने बिजली बोर्ड अप्लाई बिजली बिल भी इसमें इंक्लूड है, उस बारे में जैसे किसान की मांगों के बारे में तो लोगों को बहुत पता चला और उससे भी जुड़ा हुआ एक बिजली बिल है, हमारा जो बिजली बोर्ड है पंजाब का और स्टेट गवर्नमेंट है जो प्राइवेट कर्म कर जा रहे हैं उसके नाल जो मालिक ने कॉर्पोरेट कराने रेट तय करेगी जो आम आदमी से तौर से बहुत दूर है, क्योंकि एक गरीब किसान आम आदमी बहुत अभी इतनी महंगाई हो रही है वो हो रहा है, ये प्राइवेट करने आ गया तो कैसे जा पाएंगे आपको? आप कालका जी देवी संगत है ना, आप वहाँ से बोले हैं, तो आप किसान हैं अपने विभाग में, आप बताइए क्या आप क्यों इसे सपोर्ट कर रहे किसान? मैं किसान का पुत्र है इसलिए भी हाजरी है, बाकी दूसरा जो सेंटर सरकार बिजली बिल 2020 लेके आ रही है असं इस विरोध में भी इतने आए हैं, ये जो 2020 बिल है किसान मारू बिलों के तरह ही एक बिल है जो ये बिजली बोर्ड में सरकार के हथा चुके के प्राइवेट हाथों के देन जा रहे हैं, जे इस जो बिजली का दर रेट हो गया ज़्यादा बढ़ेगा जिस गरीब जो इस तरह पंजाब सरकार या पावर कारपोरेशन गरीब परिवारों को 400 यूनिट की माफ़ी दे रही है, ट्यूबवेल कनेक्शन जो सप्लाई है वो किसान को फ्री मिल रही है, वो सारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी, इसी तरह ही निजीकरण होगा बिजली बोर्ड का, तो सब कुछ कर्मचारी किसान पूंजीवाद के सब परेशान हो, पूंजीवाद के हाथों में आ जाएगा, किसान और बिजली कर्मचारी दोनों ही परेशान होंगे, जिस तरह किसान बिल लोगों लिए एक गुलामी का भविख लैके आ रहा है, ये बिजली बिल 2020 भी साढ़े लोगों पब्लिक लिए और मुलाजमान लिए भी गुलामी का भविख लैके आ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे जो संविधान है उसमें बिजली जो है दोनों की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राष्ट्र सरकार की, और जो 1948 का जो बिल था उसमें बेसिकली बिजली पहुंचाना जिम्मेवारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की थी और इसका सुपरविजन रेगुलेशन और फैसिलिटेशन जो है वो केंद्र सरकार की थी। अब ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में सारा डोर आ जाए, सारे सब कुछ उनके हाथ में आ जाए और स्टेट गवर्नमेंट केवल मतलब उनकी कोई खासियत नहीं होगी। उदाहरण के तौर से ये जो एक 2003 के बिल में था कि टैरिफ मतलब क्या कितने पैसे आप देंगे, क्या आप कितना देंगे, एग्रीकल्चर कितना देगा, दूसरा तीसरा कितना देगा, इसको कहते हैं टैरिफ पॉलिसी। कि 2003 में ये था कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी बनेगी और हर स्टेट अपना अपना जो परिस्थितियां है उसके बेसिस पर वो अपना रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ बनाएगी। अब उन्होंने जो किया है कि वो कंपलसरी कर दिया। दूसरा, रेगुलेटरी कमीशन में कौन बनेगा, मेंबर बनेगा, इसका निर्णय जो है एक ही कमेटी बनाएगी पूरी देश के लिए जो केंद्र सरकार बनाएगी, मतलब केंद्र सरकार बनाएगी एक कमेटी और वो कमेटी सारे स्टेट के जितने रेगुलेटरी मेंबर्स हैं उन सबका जो सिलेक्शन करेगी उन सबको चुनेगी, और ये उसमें खाली दिखाने के लिए स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में
तीसरा ये क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी हटाने की बात हो रही। बिजली, आप सोचिए बिजली की जो ऐसी चीज है जो कि यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। अब आप चंडीगढ़ को लीजिए या दिल्ली लीजिए, एक शहर है, सारे मकान एक के साथ एक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। उसकी तुलना में आप जे एंड के या हिमाचल प्रदेश या कोई पहाड़ी इलाका ले लीजिए, एक घर हो दूसरे घर में शायद 2 किलोमीटर का फासला हो पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों पे ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह किसी जगह वो कृषि प्रधान देश है, राष्ट्र है, और कई जगह जैसे उड़ीसा है वहां पे ज्यादा स्टील मिल्स और कोल मिल्स, वहां शायद इंडस्ट्रियल लोड ज्यादा। अब महाराष्ट्र और उड़ीसा का, और इसी तरह कोई छोटा राष्ट्र स्टेट है, कोई बड़ा स्टेट है, कोई कॉम्प्लेक्स सिटीज है, तो सबको एक जैसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये जरूरी है कि जो स्टेट का जो भी परिस्थिति है और स्टेट के अंदर जो कठिनाई उपलब्ध है उनको मद्देनजर रखते हुए रेगुलेटरी कमीशन का कर्तव्य है और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी के साथ वो टैरिफ को निर्णय करें। Thank you.